महाराष्ट्र के औरंगाबाद के हर्सुल जेल में एक दो नहीं बल्कि 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर खत्म ही नहीं हो रहा है, हर रोज आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 60 लोगों का एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलना महाराष्ट्र के लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर सकता है। इन 60 लोगों में से 25 कैदी और 2 अफसर हैं जिनके 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे ही कुल 60 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। औरंगाबाद के जेल कर्मचारियों ने गंभीर आरोप भी लगाया है कि हमें राम भरोसे छोड़ दिया गया है। किसी ने भी इस गंभीर मामले को ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। उनका ये भी कहना है कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि के हमारे वजह से किसी को भी कोरोना नहीं हो, और यही वजह है कि औरंगाबाद जेल में अब 60 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुनिए इस गंभीर मामले में क्या जानकारी दी गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो वो सामने वाले को 14 दिन 15 दिन 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पूरे कर्मचारी राम भरोसे छोड़े हुए, किसी का ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, खाली स्वाब टेस्ट हुआ है, उसमें अगर निगेटिव निकलता है पॉजिटिव निकलता है, हम सब निगेटिव है, पर जिसको जो पॉजिटिव हमारे साथ में था साहब, उसके लिए हमारे को कुछ तो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रॉपरली ट्रीटमेंट अगर होता है तो हमारे कारण किसी को पॉजिटिव बनेगा नहीं और ये आगे बढ़ेगा नहीं, इसके लिए कुछ तो भी निर्णय लेना चाहिए। और जितने लोगों ने रात दिन काम किए हैं उनको कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन का रेस्ट तो भी देना चाहिए। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 जो ऑफिसर और जो कर्मचारी वर्ग है वो 60 लोग थे। लॉकडाउन कम से कम 2-2.5 महीने से लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा था। बहुत अच्छी तरह से बंदियों में हमने काम किया है, उनके साथ रहे हम। आखिरी में थोड़ा सा ये कोरोना का जो प्रादुर्भाव अंदर हुआ है वो किस चीज़ों से हुआ वो पता करना पड़ेगा, पर जो सब्जियां आती है या दूध आता है या किराना माल आता है उसमें से ऐसा मुझे अंदाज़ा लगता है। पर फिर भी हमने अच्छी तरह से काम किया है, उनको विश्वास में लाया, बंदीजनों को, हमारे स्टाफ को भी विश्वास में लाया, जो हमारे स्टाफ को, स्टाफ के जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उनको जो बाधा हुई वो उनको हमने हौसला उनका बढ़ाया और हमने कारागृह के बाहर ही उनकी व्यवस्था की है। डॉक्टर लोगों की टीम आई है, 2 बंगलों और 1 रेस्ट हाउस में उनके होम क्वारंटाइन हमने किया है। तो जाते जाते थोड़ा सा ये जो अनुभव है वो बहुत हमें काम आएगा और कल और नए तरीके से हम काम करेंगे अच्छी तरह से। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।